कांग्रेस और बीजेपी सहित दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की जनसभा में कार्यकर्ता बनकर लोगों की जेब काटने वाले दो शातिर बदमाशों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह दोनों बदमाश पॉलिटिकल पार्टियों के राजनीतिक जलसे, जुलूस या जनसभा में पार्टी वर्कर बनकर लोगों के पर्स पर हाथ साफ कर देते थे। पुलिस के अनुसार इन दोनों आरोपियों के नाम प्रतीक और संजय जैन हैं। पुलिस का दावा है कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद धार, देवास, रतलाम और उज्जैन में हुए कई मामलों का खुलासा हो सकता है। पुलिस की माने तो जिस पार्टी की रैली होती थी, यह लोग उसी पार्टी का पटका और झंडा अपने पास रखते थे। इससे किसी को उन पर शक नहीं होता था और मौका मिलते ही यह लोगों की जेब से रुपए उड़ा देते थे। पुलिस के अनुसार 14 जुलाई को उज्जैन में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली में भी इन्होंने कई लोगों की जेब काटी थी। पुलिस इस गैंग के बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।